इसलिए हमने उसको विशेष महत्व दिया और उस सारी जानकारियाँ हमारे आज भी आदिवासियों के पास है। अभी आपने समाचार पढ़ा हो तो महाराष्ट्र की सरकार है, उन्होंने कहा कि जो आदिवासियों की जानकारियाँ हैं उसके जरिए जड़ी बूटियाँ हैं उसमें रामदेव ज़्यादा कमाता है तो हम उन्हें बेचना करके उनके समानांतर प्रोडक्ट बनाना होगा। तो ये भी शिक्षा है। तो शिक्षा के जितने तरीके ये सारे के सारे विचार ये हंसराज कॉलेज जो उनके ऑडिटोरियम हो तो हंसराज कॉलेज के 67 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला प्रिंसिपल हुई है, वो पत्रकार थी, पहली महिला पत्रकार प्रिंसिपल हुई तो उसकी विषय ये सारे के सारे जो महिलाएं इस आंदोलन का नेतृत्व कर मुझे आप सब लोगों को निमंत्रण देते हुए खुशी हो रही है कि आप सब लोग आए और इन नए प्रकल्प से इस नए विचार से इस नई योजना से। नाउ आई रिक्वेस्ट मंजू।